ऊपर से कुछ नजर आया दिखता है। माँ तो माँ ही होती है ना, पूछ भी जा रहा है। ओह नो, तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। भाई कंधे में बैग क्योंकि मैं जा रहा हूँ खोरदा फिर से एग्जाम देने। तो एक महीने की अंदर अंदर हो गई है फिर से हमारी फोर्थ सेमेस्टर की इंटरनल एग्जाम। अरे अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है। थर्ड सेमेस्टर देखकर मैं घर को आया था, हॉस्टल नहीं गया था, लेकिन कुछ ही महीने एक महीने के बाद फिर से इंटरनल चलते हैं। धूप देख रहे ना कितनी तेज आ रही है और चल रहे है अपनी स्कूटी से। गाइस फिर से करीब एक महीने के बाद जा रहे हैं खोरदा वही स्कूटी लेकर, वही कंधे में बैग और एग्जाम देने। टाइम करीब 9 बजने वाला है और पिपली को क्रॉस करके हमें खोरदा वाली रोड में आ चुका हूँ। और सारे भाई यहाँ तो भाई दोनों साइड ही कर दिए गए हैं, लेकिन सारे ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि बारिश जो है कंटिन्यूसली हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इसलिए ग्रीन दिख रहे हैं। पता नहीं कितने टाइम पे पहुँच जाएंगे खोरदा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस अभी टाइम हो चुका है बिल्कुल 9:30 और मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल मेरी हॉस्टल में। क्या एग्जाम जो है मेरा 11 बजे, 11 से 12 एक घंटे होता है इंटरनल एग्जाम, उसके बाद फिर जाएंगे फाइनल चलते हैं। बहुत दिन के एक महीने के बाद आया हॉस्टल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैंने पहले जब आया था ये कुछ काम था और अभी भी एक महीने बाद आ रहा हूँ, ये कुछ काम है, थोड़ा ही काम है, अगर कर देंगे तो हम रूम में न्यू रूम में रह लेंगे, लेकिन नहीं ये पूरा बिल्डिंग काम नहीं हो रहा है। बहुत दिन के बाद अपने हॉस्टल में आकर अच्छा लग रहा है भाई। और 2 महीना या 3 महीने रह गए जब मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन फिर भी मैं हॉस्टल अभी तक नहीं आया हूँ, आ रहा हूँ एग्जाम देकर चला जा रहा हूँ 2 महीने से। और भाई इतना बड़ा कुछ क्रिकेट रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं क्रिकेट भाई, मस्त वाली है ये मिट्टी तो भाई, मस्त मिट्टी है बिल्कुल, हर जितना बारिश हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो भाई ख़राब है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा फील्ड मिल जाता है खेलने के लिए, शॉर्ट बाउंड्री तो मस्त खेलते हैं बच्चे। पूरा आगे वाला बिल्डिंग का काम जो ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे, लेकिन ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ से मैं लेता था कैंटीन से सारा सामान, ये है हमारी कैंटीन, इसके अंदर कैंटीन बहुत बड़ा है, लेकिन हॉस्टल की तरफ एक छोटे से खिड़की है, यहाँ से ले जाते हैं। पता नहीं चला टाइम ऐसे कैसे चला जाता है, बहुत टाइम चला गया है, पता नहीं जब मैं आ रहा था तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब रह गया बहुत ही अच्छी लगी। और भी हॉस्टल भाई मस्त हॉस्टल है, किसी चीज़ की यहाँ पर आपको कमी नहीं मिलेगी। क्या बोल सकता हूँ, मेमोरी भाई सब खत्म हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन जब बहुत दिन के बाद आएंगे मेमोरी रह जाएगी यहाँ पर। फाइनली गाइस अब हूँ और मेरी रूम में, और ये मेरा ब्लैंकेट यहाँ पर। गाइस धूप बहुत तेज है और टाइम जो है 11 बजने वाले है, इसलिए जा रहा हूँ एग्जाम देने इतने धूप में, उसके बाद आकर शेड्यूल डायरेक्ट फिर से घर जाना है। खोरदा की इस एरिया की एक बुरी बात है ना, धूप बहुत तेज होता है। हमारे वहाँ पर तो भाई ठीक है थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कितनी तेज गर्मी भाई साहब, ये सब भाई सब जल जाएंगे ऐसे ही धूप में, और आपको ग्रीन नहीं दिखेगी कुछ भी कुछ भाई, और कुछ दिनों में सारे ऐसे जल जाएंगे भाई। तो गाइस एग्जाम हो गया ख़त्म, कुछ टाइम में जाएंगे हम घर। ऊपर से कुछ नज़ारा ये दिखता है। चलते हैं नीचे। Five minutes later. तो अब गाइस टाइम भाई बिल्कुल परफेक्ट 12:30 हो चुका है, पता से पसीने से भीग गया हूँ और जा रहा हूँ घर, पता नहीं कब तक पहुँच पाऊँगा, 2 या 2:30 के अंदर अंदर 2 या 2:30 के अंदर अंदर तो पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। पता नहीं हमारे तो वहाँ पर तो भाई दोपहर को बारिश होता है, पता नहीं कब पहुँचूँगा, सुबह चलते हैं, लेकिन धूप ना बहुत तेज़ हो रही है आज, खतरनाक गर्मी पड़ रही है भाई। अभी पता नहीं बारिश, लेकिन मुझे लगता है हमारी वहाँ पर 4 बजे बारिश होगा जब मैं घूमने आता हूँ, लेकिन अभी जटनी में जा रहा हूँ, जटनी मेन रोड और मार्केट में खतरनाक गर्मी। माय ऑल टाइम फेवरेट रिवर। फाइनली वो पिपली ब्रिज के पास पहुंच गए,
और यहाँ बैंड लगेगा। फाइनली गाइस अब पहुंच रहा हूँ निमापड़ा पर। इतने जल्द पहुंच गया क्योंकि ट्रैफिक नहीं थी दोपहर के टाइम में, और सुबह सुबह खुर्दा भी जल्द पहुंच गया क्योंकि सुबह के टाइम थी ट्रैफिक नहीं। तो गाइस टाइम हो चुका है बिल्कुल 4 और हम जा रहे घूमने। भाई मैं आज पता है तुझे कहाँ गया था? कॉलेज को था, इससे कहते पता चला। तो भाई ये बंदा जा रहा है कुछ दिनों के लिए, गायब हो रहा है, इसलिए क्या बोल सकता हूँ, अकेले ही घूमना पड़ेगा और किसी के साथ। गाइस कितना प्यारा सा स्ट्रीट डॉग है। बहुत क्यूट सा है, पूछ भी जा रहा है, कितना क्यूट सा है, कितना लो लो लो। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी जग्गू है। सब कुछ तो जग्गू ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत क्यूट सा है। दिस इज तो दुखन से पूरा आंसू तो खुशी के अलावा बहुत खुश हो गया है। फाइनली बैठे ने प्यारी समझ गई। ये बहुत खुश हो गए, जैसे ना इसकी मासूम सी शक्ल से, और ये जो पाई मुंह निकाल रहा है ना, इसे मुंह खोल रहा है। हाँ पर गाय चल रहा है क्रिकेट। ओ भाई क्या शॉट! चार मार। ओ नो, चल रहा है क्रिकेट। ओ विराट कोहली फैन लॉक के। ओ नो, 6। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ थोड़ा घूमने, क्योंकि ये जो है जा रहा है कल कहीं घूमने, तो आज लास्ट डे इसकी। आड़े और मैं बैठ कर यहाँ पर देख रहे हैं मैच। 6 मार्कर आउट हो चुके हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है? ओह नो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत दिन के बाद बैटिंग कर रहे मैनेजर। ओ और चौका मार दिया, नाइट ड्राइवर तर बोल सतरन। लगता है मार पाएगा। चार। तो नाइट मैच देखने नहीं आए थे? आया था भाई। आप तो नहीं आए थे? नहीं आप? मैं आया था। कितना? आधे घंटे के लिए? आधे घंटे के लिए ना। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा। तो गाइस अभी टाइम कितना हो चुका है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि मैं भाई वहाँ पर जाकर खेल देख कर आ चुका हूँ। अरे भी यहाँ पर बैठा है, बहुत दिन के बाद यूट्यूब पे आया है। भाई तू तो नाइट मैच देखने नहीं गया था? पता है, बोल क्यों नहीं गया? आज ये बंदा जा रहा है कहीं घूमने, मुझे नहीं ले जा रहा है, तो आज लास्ट ब्लॉग में पाइप आएगा या नहीं? फिर आऊँगा। हाँ आऊँगा, मुझे भी नहीं पता, तो देखते हैं ये कितने दिनों में आता है। कितने दिनों में आएगा? 3-4 दिनों में आ जाऊँगा। अभी बैठे हैं पार्क के अंदर और खा रहे हैं, ये कितनी छोटी छोटी है लेकिन मस्त लग रही है। उसकी माँ है और ये बच्चा, हम दे रहे हैं यहाँ पर फेंक रहे हैं। कौन खा रहा है? उसकी बच्चा खा रहा है, माँ तो माँ ही होती है ना, वो खा रहा है। लेकिन देखो कौन खाया, वो छोटा बच्चा खाया। इसको जो दे रहे हैं वो खा जा रहा है। देखो कैसे बैठ के फिर से एक और इसको दे दिया, इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार तो ये खा रहा है, और आ गया उसकी बच्चा, और देखो वो खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, इसलिए बोलते हैं माँ तो माँ होती है भाई, खुद ना खा कर भी अपने बच्चे को खाना दे रही है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? चाहे इंसान हो या जानवर, ये रिलेशनशिप से भाई हमेशा होती है, नहीं